आप औरत की तरफ देखते हो ना, आपको अच्छी नहीं लगती। आप ये सोचो, सुपर सोच है, सुपर ब्रेन के लिए। जानते हैं क्या, असाम तक रहू शयन। हो सकता है कि तुम्हें एक चीज नापसंद हो और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसमें बड़ी भलाई रख दी। मर्द ये सोचे, इस औरत के जरिए से मुझे खैर मिल रही। मैंने इतने घरानों में अल्लाह ताला के फजलो करम से इस बात को इख्तियार करते लोगों को देखा कि लोगों ने जब ये सोचा कि इस औरत के तवस्सुल से हमें रिस्क मिल रहा, कि जब ये मैके चली जाती है तो हमारे रिस्क में तंगी आती है, हमारे ताल्लुकात कशीदा हो जाते हैं, जब ये लौट आती है तो हमारे घर में बाहर आ जाती है, तो सोचे शक्लो सीरत बहुत पीछे रह गई। तो अल्लाह ताला ने शक्लो सूरत से तवज्जो ही हटा दी कि इस औरत को जब भी देखना है ये तुमने सोचना है कि अल्लाह ने मेरे लिए इसमें खैर रखी। हो सकता है तुम्हें एक चीज नापसंद हो और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसमें बहुत खैर रखी, बहुत बड़ी भलाई। सोच बदल डालू। औरत के साथ हुस्ने सलूक सिर्फ पसंदीदा हालात में नहीं है, औरत की शक्ल पसंद नहीं, औरत के मामला पसंद नहीं, फिर भी अच्छे तरीके से रहना। वह आशीरूहुन्ना बिल मारूफ। तो कोई कैसे किसी औरत के साथ हर हाल में अच्छा सलूक कर सकता है जबकि औरत की तरफ देखता है उसे अच्छी नहीं लगती। ऑर्डनरी सतह से जहन उठेगा फिर अच्छा सलूक हो सकता है। वो ऑर्डनरी सतह से कैसे उठ सकता है, अल्लाह ताला ने उसका रास्ता दिखाया है। तुम औरत की तरफ ना देखो, अल्लाह ताला की तरफ देखो, उससे सवाब की उम्मीद रखो। फिर भी अगर तुम्हारा जी चाहता है कड़वी कसैली बातें करने को, तुम्हारा जी चाहता है तानों से उसका सीना छलनी करने को, तुम्हारा जी चाहता है कि उसके खानदान वालों के साथ ऐसा मामला करें कि उस औरत को अच्छी तरीके से या अच्छे तरीके से याद रहे कि वो उसके दिल से उतर चुकी है और वो खुद आगे बढ़ के जुदाई इख्तियार करने के लिए मुतालबा कर दे। मर्द कैसे रुके, तकवा। अल्लाह ताला के अजाब के खौफ से जुबान भी रुकेगी। मर्द को हर हाल में पाबंद किया गया है कि औरत से हुस्ने सलूक इख्तियार करना है, जैसा कि कुरान हकीम में आता है, वह आशीरूहुन्ना बिल मारूफ, कि औरतों के साथ अच्छे तरीके से गुजारा करो, अच्छे तरीके से रहो। फइन करिहतुमूहुन्ना, फिर अगर वो तुम्हें नापसंद हो, फअसान तकरहू शयन वयजअल अल्लाह फीही खैरन कसीरा। हो सकता है कि तुम्हें एक चीज नापसंद हो और अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हारे लिए खैर कसीर रख दिया, बहुत भलाई रख दी हो, तुम्हें पता भी ना हो कि उसके जरिए से तुम्हें रिस्क मिल रहा है, उसके जरिए से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दुनिया और आखरत की भलाइयां तुम्हारे खानदान पर नाजिल कर रहा है।